हाउ टू गेट रिड ऑफ पफी आईज। लोग ये समझते हैं शायद कम सोने की वजह से ही सिर्फ पफी आईज होती हैं, ऐसा नहीं। तो ये भी एक बड़ा मसला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, स्पेशली आईज का। एजिंग की तरफ जाते हैं वो डेफिनेटली इट्स एन एज फैक्ट, और आप उसको घर बैठे कोई ऐसी चीज लगा के ट्रीट करना चाहती हैं तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है। बट दिस इज लाइक मोर कन्वीनियंट, ये अच्छा है स्पेशली अंडर आई एरिया के अंदर। डोंट गो फॉर द चीपर प्रोडक्ट। पफी आईज एक बहुत ही बड़ा और कॉमन इशू है। आपको कोई ऐसा आईज का या कोई भी स्किन से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी एज और अपना इशू बताइएगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे फिर मैं उसके हिसाब से इनको बुलाऊंगी या इनके साथ बैठूंगी और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना फ़खर ऑफिशियल। होप यू डूइंग वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ सेफ। जैसे मैंने आपको बताया था, स्किन का प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों को इशू होता है, वो है पफ़ी आइस। तो आज हम जानेंगे उसका सलूशन। मेरे साथ आयशा हुमैरा होंगी जो कि मेरी वन ऑफ माय फेवरेट, एंड प्लस आई नो हर सिंस लॉन्ग टाइम, सो यू नो शी इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड एज वेल। तो आज हम इनसे बात करेंगे और ये बताएंगी कि ये जो पफ़ी आईज होती हैं इसका क्या सलूशन है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है तो आज हम क्लियर करेंगे, सो स्टे ट्यून। आप देखिएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं पफ़ी आईज को, हाउ टू गेट रिड ऑफ पफ़ी आईज। जी आयशा, मैं पूछना चाहूँगी कि पफ़ी आईज़ की रीज़न क्या होती है एंड हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है, मेल फीमेल दोनों का। आंखें सूजी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अच्छा, पफ़ी आईज़ में बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक मोस्ट कॉमन जो आजकल इशू है वो ये है कि इन अप्रोप्रिएट स्लीप साइकिल। लोग ये समझते हैं शायद कम सोने की वजह से ही सिर्फ पफ़ी आईज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा सोने की वजह से भी होती हैं। आजकल जो यूजुअली टीनएज जो हैं उनकी रूटीन है वो क्या होती है कि वो रात को जागते हैं, सुबह 4 बजे या 5 बजे वो सोते हैं और फिर दूसरे दिन मतलब 4 बजे या 5 बजे तक वो उठते हैं। तो इट्स लाइक 12 आवर्स साइकिल ना, 12 आवर्स तक आप सो रहे हैं। प्लस ज़्यादा सोने से भी पफ़ी आईज़ होती हैं। अच्छा, प्लस ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको फील नहीं हो रहा होता, आप अपने आँखों के नीचे कुछ एग्रेसिव केमिकल्स का या सीरम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समटाइम्स कोई मस्कारा आपको सूट नहीं कर रहा होता, और समटाइम्स ये होता है कि कंसीलर्स लोग लगा रहे होते हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे होते हैं, और आपको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि हमारी पफ़ी आईज़ क्यों हो रही हैं। तो हमेशा सबसे पहले तो अपनी स्किन के रूटीन को चेक करें, किस चीज़ की वजह से आपको ये एग्रेवेट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कुछ लोग एजिंग की वजह से, जब वो एजिंग की तरफ जाते हैं वो डेफिनेटली इट्स एन एज फैक्टर, वो उनको पता है कि जब हम ऑब्वियसली 40 से पहले होता है तो इट मींस दैट दे इट मींस मस्ट हैव सम, कोई आपने एग्जैक्टली ऐसे ही कोई प्रोडक्ट यूज की है मेकअप की जिससे एलर्जी हो गई, जिससे आपको एलर्जी हो रही है, सूजन हो रही है आंखों के नीचे आई, फिर वो आपको ऐसा इम्पैक्ट जा रहा होता है कि ये पफिनेस हो रही है मुझे। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब आप एजिंग की तरफ जाते हैं, आप 40-45 क्रॉस करते हैं, तो उसके जो आपकी आंखों के नीचे सुपरफिशियल फैट होता है ना वो डिस्प्लेस होकर नीचे आने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पे पूरा एक अलग सी लाइन सी बन जाती है, एग्जैक्टली। अच्छा, फीमेल्स जो होती हैं, वुमेन जब वो मीनोपॉज की एज की तरफ जाती हैं, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का, स्टीरॉइड्स का इनटेक करते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, जिसके लिए वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिंस लेते हैं, डायूरेटिक्स मेडिसिंस लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी उनको पफ़ी आइज़ के इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब हर कोई अपनी अपनी जो हमारी बातों को ऑब्वियसली सुन रहा है, जो इस पूरी वीडियो को देख रहा है, वो अपनी लाइफ को इन तमाम रीजंस के साथ रिलेट कर सकता है कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि उनकी लाइफ में हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी आईज पफ़ी हो रही है। यहाँ तक तो हमारे रीजंस हो गए। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। क्या इसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है? तो बिल्कुल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। सिर्फ आपने इतना सा करना होता है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ राइट डॉक्टर। आप जाइए अपने कंसल्टेंट के पास, जाके उनसे सजेशन लें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी हिस्ट्री है, अपनी हिस्ट्री बताइए, उसको देखते हुए फिर आपके जो डॉक्टर होगा वो आपको रिकमेंड करेगा कि दैट इज़ द ट्रीटमेंट दैट यू कैन गेट इट। अच्छा, मोस्टली जो ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं पफ़ी आइज़ के अंदर नॉन सर्जिकल वे में, वो डिपेंड करता है। समटाइम्स हम आँखों के गिर्द रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं जिससे स्किन की टाइटनिंग होती है और वो ठीक होती है। समटाइम्स लोग कोल्ड थेरेपी लेते हैं आँखों के गिर्द, उससे भी आपको ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हमें जब देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है जिसके अंदर हमें इंजेक्टेबल कुछ दे
लेना पड़ता है तो हम आई फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। आई फिलर्स क्या होते हैं? बहुत आसान चीज़ है, हाइलुरोनिक एसिड या एचए हमारी अपनी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है। जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं तो वो हमारी स्किन से लूज़ हो जाता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि जो एथलीट्स होते हैं जिनकी स्किन की डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, उनके अंदर एचए बहुत जल्दी लूज़ होता है। जब एचए आपकी स्किन से लूज़ होता है तो यहाँ पे गड्ढा बनता है, टीयर ट्रॉफ बनता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो फेस की स्किन है, हेल्दी फैट भी चले जाते हैं, लाफ लाइन सी बनती है। तो वही एचए जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, दिस इज नॉट समथिंग के कोई आर्टिफिशियल चीज हम लगा रहे हैं, उसको प्लांट सोर्स से ओरिजिनेट किया जाता है, उसको एक सिरिंज में लाया जाता है, वो हम आपकी स्किन के यहाँ पे उसको फिलर फिल कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो वो वन सेशन में ही आपकी आंखें फिल हो जाती है। इसके अलावा जैसे सपोज ये फिलर का एक हो गया, फिलर लोग यूज करते हैं, उससे इसका होता है, देन लाइक यू नो इससे आपको लगता है कि कोई कोई कैप्सूल भी आप उसमें रिकमेंड करते हैं कि जिससे उसको रेगुलर साथ साथ रखें तो उसकी स्किन बेटर हो? सना, एक फॉर्मूला होता है ईपीओ का, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, अक्सर ख़वातीन आजकल वैसे भी ले रही होती हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली वो लोग जो कि मीनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं उनके लिए बड़ी आइडियल कैप्सूल होती है। ये आपकी बहुत सारी बॉडी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्स्ट्रा पफिनेस जो फेस पे होती है उसको भी, और एक और भी चीज़ जैसे सपोज लोग वो करते हैं और आपका ये भी है, इसके लिए मैं भी यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी नाइस आई गेस। तो इस तरह का भी ये इफेक्ट, इसका क्या है बेसिकली? इसका ये है कि देखें, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप सबसे पहले इंजेक्टेबल्स की तरफ नहीं जाते हैं, आप हमेशा कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप पे कि आप चाहते हैं कि जो मुझे अभी फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हुई हैं या इवन कि मुझे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या मेरी आईज थोड़ी सी पफी हो रही हैं, और आप उसको घर बैठे कोई ऐसी चीज़ लगा के ट्रीट करना चाहती हैं, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट है। ये आई रोलोन है, आप तो इसको यूज़ कर ही रही हैं। ये बड़ा अच्छा है, मैंने अभी ही यूज़ आपसे ही लिया था, तो मैंने यूज़ किया है, करना शुरू किया है, बट आई थिंक इट्स गुड। पहले जैसे मैं अपना बताऊंगी ना कि जैसे एक रूटीन भी होती है, मैंने नोट किया है कि जैसे ना हम लोगों को ना जैसे हम लोग फेस वॉश करते हैं या अपना कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको आप थोड़ा सा प्रेस करें या हल्का स्लाइटली स्मूथली इसको जैसे ऐसे करके, मैं तो इसको करती हूँ हर मेकअप के बाद, आई रिमूव माई मेकअप, आई मेक श्योर, तो वो पफी होती ही नहीं है लाइक यू नो। एंड उसके अलावा मैंने अब जब से ये शुरू किया है तो इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो आई यूजिंग माई हैंड्स, दिस इज लाइक मोर कन्वीनियंट एंड सॉफ्ट। एंड प्लस देखें, एक बात हमेशा, सीरम भी है, सीरम भी है, बिकॉज हमारी फुल फेस के ऊपर ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग सन ब्लॉक्स भी अगर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, तो पूरे चेहरे पे लगा देते हैं। अब जितनी आप सेंसिबली चीज़ों को करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई उसको कर रहा हो, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा आई एरिया निगलेक्ट हो जाता है, हम वहाँ कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो केमिकल जो आप फेस पे, हालांकि विटामिन सी यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे मैंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा क्रीमें मैं यूज़ नहीं करती, आई नो, छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये मैंने यूज़ करना शुरू किया है, द रीज़न वाई बिकॉज उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मैं नहीं करती। और आई रिमेंबर व्हेन फर्स्ट टाइम यू केम टू मी एंड आई आस्क्ड अबाउट योर स्किन केयर रूटीन, बट यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग ना, आप तो उसमें हो ही नहीं, शुरू से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी है ड्राई स्किन, तो आई हैव नॉट लाइक एक्नी इश्यूज नहीं है उस तरह से, या तो ड्राई में क्या होता है, मुझे पहले इसको अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, इसलिए ये जो है दिस इज लाइक यू नो फॉर मी, जो मैंने मुझे इसका असर हुआ है वो ये हुआ है कि बिफोर आई वॉज लाइक यू नो नाइट क्रीम अपनी जो भी मैं लगाती हूँ तो वो उसी से मैं स्पेशली आई क्रीम में नहीं लगाती थी, बट उसी से मैं हल्का सा आई यूज टू, बट दिस इज लाइक मोर कन्वीनियंट, ये अच्छा है। इसमें ये होता है, इसको हम खोल के आपको दिखा देते हैं, इसका सीरम भी अच्छा है, उससे भी लाइक इसमें आपको पता है प्योर हाइलुरोनिक एसिड है, प्योर एचए, अगेन इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अगर आप किसी और ब्रांड की तरफ जाते हैं, सेफोरा पे जाते हैं, यू नो, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव सीरम, बट दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अच्छा, इसको आसान है बहुत, अपने आईज के अराउंड आपने नाइट एप्लीकेशन पे ऐसे यूज़ करना है, बॉल की तरह है, आप ऐसे करेंगे इसमें से सीरम। मैं तो 10 टाइम करती हूं, 10 टाइम काउंट करके, वैसे बहुत अच्छा है, आप काउंट करके करें, 5 to 10 टाइम्स आप काउंट करके करें, तो इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, मसाज भी हो जाता है, प्रोडक्ट फ्रॉम दिस साइड, 5 फ्रॉम दिस साइड, सो आई लाइक नो मेक श्योर 10 टाइम, और अदरवाइज यू नो व्हाट आई डू इज, नहीं आप बहुत अच्छा करते हैं कि काउंट करके जब आप करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि डेली यू हैव टू डू दिस, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी एक स्किन केयर रूटीन बन जाती है, आपकी इसी तरीके से आंखों के गिर्द की भी एक रूटीन बन जाती है। अच्छा, इसके बारे में मैंने खुद भी पेशेंट से भी कहते हुए सुना है कि जब आप
को मेकअप आप करते हैं, कंसील करते हैं, अक्सर ऑफिस गोइंग जो लड़कियां हैं वो स्लाइट कंसीलर यहाँ यूज़ करती हैं, तो वो 2 to 3 hours के बाद आपको लाइन्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको बिफोर मेकअप अप्लाई करते हैं तो ये आपका जो कंसील है उसको वो आपका बेस फटेगा नहीं, आपको यहाँ लाइन्स नहीं आएंगी। तो मतलब 8 hours मेकअप से पहले यूज़ मेकअप से पहले भी यूज़ कीजिए, और जब एक बार आप रात को बिल्कुल सोते टाइम पर, बेड टाइम पर जब आप जाते हैं और आप अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, एक आप उस टाइम पर यूज़ कीजिए इसको, आप फिर देखिएगा आपके डार्क सर्कल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। बिकॉज मेरे पास ये होता है कि पेशेंट्स आते हैं, अल्टीमेट दिस इज लाइक यू नो सॉल्यूशन फॉर पफी आईज, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बाय द वे, और डार्क सर्कल्स के लिए भी है। और दूसरा इसका सॉल्यूशन जो था वो फिलर्स है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है। आपको नहीं लगता, मैंने क्योंकि शो बिजनेस से हूँ और मोस्टली बहुत सारे लोगों ने भी फील किया, कुछ ऐसे आर्टिस्टों को भी मैंने देखा है या कुछ ऐसे लोगों को जब वो फिलर्स कराते हैं, बिकॉज आई डोंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, वाई आई डोंट डू दैट बिकॉज दैट वो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं एंड देन यू स्क्रीन पे बहुत एक क्या कहते हैं और सा लगता है और वो ऑब्वियस है, जिससे कहते हैं कि इसकी तो शक्ल ही बदल गई एंड सो एंड सो। तो उससे मेरे ख्याल में वो तब जरूरी होता है जब बहुत ज्यादा हो जाए। एक्सप्लेन करती हूँ, देखें बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि पफी है तो यहाँ तो ऑलरेडी वो है तो हम फिलर कैसे करवाएं, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अभी हम स्क्रीन पे कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हमारी बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर हैं, आपको खुद आइडिया होगा। बिकॉज हम क्या करते हैं कि जो उसको कंपनसेशन करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि वो एरिया जो आपका अलग से नज़र आ रहा है वो उसके इक्वल हो जाता है, एंड डेफिनेटली आपकी एस्थेटिक कैलकुलेशंस के हिसाब से किया जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी उभरी हुई ना लगे। इवन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो कि टीयर ट्रॉफ होता है ना आंखों के नीचे, जो एक गड्ढा सा बन जाता है, ये एरिया खाली लगता है, आप सैड लगते हैं, आप बीमार लगते हैं, उसको भी करेक्ट जो लोगों ने करवाया है। तो जब राइट सिलेक्शन ऑफ फिलर चूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी आपने ऐसा लगता है कि कोई अलग सी चीज़ रखी हुई है और आपकी आँखें छोटी लगती हैं। यू आर सेइंग एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट है ये। बेसिकली आप कहाँ से करवा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स की हैंडलिंग बहुत काउंट करती है इसके अंदर, फिलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेसिफिकली पफिनेस को ट्रीट करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। आप ऐसे हर किसी के पास जाते हैं, बहुत सेंसिटिव इशू होता है, नेचुरली आप हर एक से नहीं करवा सकते हैं। तो मेक श्योर के कोई जो भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्किन डॉक्टर हैं उनसे करें। And always see the profile. Always see the profile. If somebody is giving you कि ये मेरे results हैं, this is what I have done, तो you know you can believe on that person. लेकिन अगर आप random किसी के पास जा रहे हैं जिन्होंने कोई profile नहीं है और वो आपको अपने results भी नहीं produce करके, उनका कोई you know कोई results ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए वो होता है। And plus मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि choose your doctor wisely, as well as don't go for the cheaper products. स्पेशली अंडर आई एरिया के अंदर डोंट गो फॉर द चीपर प्रोडक्ट्स। हमेशा ब्रांड्स मेड इन फ्रांस, मेड इन US, स्विस, ये अच्छे फिलर्स होते हैं। डोंट गो फॉर द चाइनीज प्रोडक्ट्स एट ऑल, वो फिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लिटरली उन्होंने कहीं से फिलर कराए थे लाफ लाइन्स में, एंड 2 years हो चुके थे और एक तस्बी के दाने की तरह का एक नोड्यूल अभी भी उनके यहाँ पर पड़ा हुआ था और वो बाकायदा मूव कर रहा था। I don't know what was that, but this is not actually hyaluronic acid. HA जो है वो बिल्कुल स्किन में जाता है, स्किन के अंदर जाके वो आपकी मर्ज हो जाता है, वो कहीं भी नोड्यूल की तरह नहीं आता। तो वो जो चीपर प्रोडक्ट्स होते हैं, I don't know उसके अंदर ऐसा क्या है। फिर इसी तरह तो वो कहते हैं ना रून फिर हो जाती है आपकी स्किन बजाय इसके ठीक होने के, बड़ा मसला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, स्पेशली आईज का। एंड थैंक यू सो मच, लाइक नाउ यू हैव मुझसे तो आपने शेयर किया, और आज आप इससे पहले हम लोग काफी कन्वर्सेशन करते रहते हैं बहुत सारे इश्यूज पे, यू नो। हां नहीं नहीं एब्सोल्युटली आपको मैं मजीद भी लाइक नो आई वांट टू टेक यू ऑन बोर्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस एज वेल, बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर आई कम अक्रॉस रिगार्डिंग हेल्थ, और हेल्थ में हर चीज आ जाती है। अगर आप स्मार्ट लग रहे हैं और आपका फेस नहीं अच्छा लग रहा, देयर इज नो पॉइंट। सो आई ऑलवेज टेल दैट यू नो आपको ओवरऑल अपनी जब बॉडी को देखना होता है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का अंदाज़, आपकी आपके यू नो फेस, और फेस पे सबसे ज़्यादा मेकअप अट्रैक्ट नहीं करता, स्किन करती है, सो विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो चलिए थैंक यू सो मच, मैंने तो ये ट्राई की है, वो डेफिनेटली अगर लोगों को चाहिए तो आपका मैं इसमें मैंशन कर दूँगी, समवन लाइक यू नो want to get this product, तो वो online भी है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम online भी देते हैं, और इसके अलावा अगर कोई walk-in होके purchase करना चाहे Avenue 5D पर तो वो walk-in होके भी कर सकते हैं, but online आपको डोर स्टेप पे आपकी प्रोडक्ट। ये तो था आज की वीडियो जो कि पफी आईज पर थी, और पफी आईज एक बहुत ही बड़ा और कॉमन इशू है,
आपको कोई ऐसा आईज का या कोई भी स्किन से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी एज और अपना इशू बताइएगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे फिर मैं उसके हिसाब से इनको बुलाऊंगी या इनके साथ बैठूंगी और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह आपको यू नो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो अगर आप ये स्टार्ट कर दें यूज़ करना तो आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी एक नई डिफरेंट वीडियो में। आप इसी तरह प्यार मोहब्बत अपनी मुझे बांटते रहेगा और मैं अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालूंगी कि कोई एक अच्छी सी वीडियो आपसे शेयर करूं और आपको यू नो हेल्प ट्राई टू हेल्प आउट कोई भी सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।